सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपनी और अपनी फैमिली का इस पैंडेमिक में बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम फिर से कार स्टाइलिंग में आ चुके हैं और आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल गाड़ी लेके आए हैं। मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ कि ये अभी इंडिया में ओनली वन हो सकती है ये कार, क्योंकि YouTube पे मैंने आज से पहले स्कोडा यटी के मॉडिफिकेशन की वीडियो आज तक नहीं देखी, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये गाड़ी फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो कि इंटीरियर से लेकर के इसका सारा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कार स्टाइलिंग में। तो आज हम देखते हैं कि क्या आपको स्कोडा यटी के अंदर में आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। सो बिना किसी फर्दर डिले अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ये है स्कोडा यटी जिसका आज पूरा कार स्टाइलिंग में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी जो है पूरी तरीके से इसके हर एक पैनल को निकाल दिया गया है। ये गाड़ी बिफोर लुक में आप देख रहे हो, जब इस गाड़ी का फिटमेंट हो जाएगा, जब इस गाड़ी का पूरा काम होते हुए देखोगे तो डैट विल बी वेरी अमेजिंग। आपको बहुत ही अलग ट्रांसफॉर्मेशन इस गाड़ी के अंदर में दिखने वाला है। सो अब इस गाड़ी में जितना काम हो जाता है उसके बाद हम आपसे मिलते हैं जब इस गाड़ी का पूरा कंप्लीटली काम डन हो जाता है। A few moments later. तो दोस्तों अब हम पहले इस गाड़ी के स्टार्ट करते हैं सीट कवर्स के साथ में। आप देख सकते हैं इसके जो सीट्स है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड कस्टमाइज्ड करे गए हैं। इस गाड़ी में एयर बैग आता है, तो सबसे बड़ा खतरा आपकी गाड़ी में यही होता है कि जब आप इसको नॉर्मल, अगर आप इसमें बकेट वाले सीट कवर्स तो वैसे आप चढ़ा ही नहीं सकते हो, बट इसमें आपका कस्टमाइजेशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपकी जो एयर बैग है वो पूरी इंटैक्ट रहती है। जब अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो ये आराम से आपका डिप्लॉय हो जाएगा। सो एज पर कस्टमर डिमांड इस गाड़ी के जो सीट्स हैं वो कम्प्लीटली डिज़ाइन करे गए हैं। ये कार स्टाइलिन स्पेशल डिज़ाइन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। सो इसमें आप देख सकते हैं रेड कलर की पाइपिंग के साथ में रेड कलर का थ्रेडवर्क यूज़ किया गया है। पूरी गाड़ी का जो इंटीरियर का थीम है वो रेड एंड ब्लैक में किया गया है। सो अब हम आते हैं गाड़ी के स्टेयरिंग पे। आप लोगों ने देखा था कि इसकी स्टेयरिंग का क्या हालत हो गया था, बट आपके सामने अब जो स्टेयरिंग की आप फिटमेंट देख सकते हो बिल्कुल ही एकदम सुपर अमेजिंग क्वालिटी आई है इस स्टेयरिंग की। और अब आते हैं हम इसके साइड डोर पैनल्स पे। सो आपके सामने है इसकी क्वालिटी। सबसे पहली जो चीज़ हम बात करेंगे तो इस गाड़ी में सॉफ्ट पील कोटिंग करी गई है इस ग्रैब हैंडल पे, और आप देख सकते हैं जो इनसाइड जो आपके डोर ट्रिम पार्ट्स हैं उस पर हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट करा गया है, जिसकी क्वालिटी आपके सामने है कि ये कितनी सुंदर लग रही है। और आप देखोगे कि इसके जो एसी वेंट्स हो गए, आपके जो ये सेंटर कंसोल हो गए, इन सारी चीज़ों पे आपके हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट करा गया है। सो अब हम बात करें इस गाड़ी के ए पिलर, बी पिलर एंड सी पिलर, तीनों आपके सॉफ्ट पील कोटिंग करी गई है जो कि आपके मैट कलर में बोल सकते हैं, जो इंटीरियर का थीम जो स्पेशली जो डिज़ाइन करा गया है। अब हम बात करें इस गाड़ी में आर्मरेस्ट एंड आपके गियर नॉब, ये सारे भी लेदर जो हैं यहाँ पे चेंज करे गए हैं, जिसकी फिट एंड फिनिश आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि अगर आप आर्मरेस्ट में काम करवाते हो तो ये खुलता नहीं है या लगता नहीं है, बट आपके सामने है कि ये कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। इसकी फिटिंग बहुत ही एक्यूरेट एंड बहुत ही 00 फिटिंग के साथ आई है। सो अब हम बात करें इस गाड़ी में रूफ भी जो आपके हैं उस पर भी लेदर लगाया गया है, जिसकी क्वालिटी आपके सामने है कि कितनी अमेजिंग लग रही है ये रूफ। दोस्तों आज हमारे साथ है तनुजा जी। तनुजा जी कैसे हो आप? मैं बढ़िया। तनुजा जी ही आपको कार स्टाइलिंग में आपके जितने भी कस्टमाइजेशन का काम होता है उन सारी चीजों को डील करती हैं।
कार स्टाइलिंग में आपको कोई भी लूज फिटिंग वाला काम नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो आपके सीट्स होते हैं, इवन दो आपकी अगर कोई ऑल्टो कार भी आप लेकर के आ रहे हो, दैट विल बी ऑल्सो कस्टमाइज, क्योंकि कस्टमाइजेशन एंड बकेट सीट कवर्स आर टोटली डिफरेंट। बकेट में आपका क्या होता है कि वो थोड़ी थोड़ी लूज फिटिंग में रहती है, बट जो ये कस्टमाइजेशन होती है इसमें जीरो जीरो फिटिंग आती है। आपकी जो फिटमेंट होती है दैट इज बिल्कुल ओएम वाला लुक। इसमें कोई ये नहीं है कि आप इसमें कोई लूज फिटिंग कर दे रहे हो या फिर कोई अलग से सीट कवर चढ़ा रहे हो, दैट इज टोटली डिफरेंट इन लाइक इट इज टोटली डिफरेंट इन सीट कस्टमाइजेशन। सो तनुजा जी, आप मुझे एक छोटी सी चीज बताना कि इस गाड़ी में कितना खर्च लगा है। एज पर कस्टमर प्राइस इसमें ज्यादा काम नहीं हुआ, सिर्फ सीट का स्टेयरिंग प्लस फोर डोर ट्रिम हुआ है, तो इसका अप्रॉक्सिमेट 25,000 to 30,000 है। 30,000, सो मोटा मोटा आपको 25,000 to 30,000 के बीच में आपके डोर पैनल्स, आपके सीट कवर्स, आपके स्टेयरिंग कवर एंड आपकी रूफ, ये सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे 25,000 to 30,000 में। एंड इवन इसमें छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं उसमें हाइड्रो डिपिंग एंड अपना पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट भी करा गया है, साथ में सॉफ्ट पील कोटिंग भी करी गई है। सो तनुजा जी, अगर मान लो किसी को कार स्टाइलिंग में कार स्टाइलिंग कराने आना हो तो वो कैसे आएंगे यहाँ पे? हमारे पटना वाले शोरूम का एड्रेस है डिघा श्याला रोड नियर टर्निंग पॉइंट ट्रांसिट नगर थाना। हमारा नंबर हुआ 7369939393। वैसे मैंने शॉप का जो गूगल मैप का लिंक है वो नीचे डाल रखा है, आप लोग चाहो तो उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। वैसे ये महिंद्रा फर्स्ट चॉइस जो आपका अशियाना दीघा रोड में लोकेटेड है उसके बिल्कुल बाजू में है, हाँ, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो। डैट इज आपको ईजी भी रहेगा अगर आप डायरेक्टली गूगल मैप का लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली पहुँच जाओगे। सो दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो विद दिस सेट मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।